नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्नो तरण पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट RGB लाइट सेटअप की। आप जो मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं वो मैंने यूज़ किया है स्मार्ट LED बल्ब जो कि RGB है, बट उनकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी डिम है, तो इसलिए मैंने अमेजन से ये RGB लाइट ऑर्डर की है। इसको आप फ्लड लाइट्स भी बोलते हो। तो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बिना किसी और देरी के चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और ये रही हमारी LED लाइट। तो ये आपको LED कुछ ऐसी देखने को मिलती है और साथ में आता है ये रिमोट। रिमोट काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसमें आपको सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको ब्राइटनेस अप एंड डाउन का बटन दिया हुआ है और ऑन एंड ऑफ का आपको अलग से बटन दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ कलर्स देखने को मिल जाते हैं, तो लगभग 16 कलर्स हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं, लगभग 4 मोड्स आपको दिए गए हैं रिमोट पे। तो सबसे पहला जैसे देखने को मिल रहा है फ्लैश, स्ट्रॉब, फेड एंड स्मूथ। तो चलिए इन दोनों को हम करते हैं कनेक्ट अपनी पावर सप्लाई के साथ और फिर टर्न ऑन करके देखते हैं इनकी जो लाइट है कितनी है और कैसे कैसे ये मोड्स काम करते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी अजीब है कि बॉक्स पे आपको देखने को मिलता है 50 वॉट, जब आप LED की तरफ देखोगे तब आपको यहाँ पे 25 वॉट की देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी मिसलीडिंग है, तो कोई बात नहीं। तो इन दोनों को हम करते हैं सेटअप। तो ये रही हमारी लाइट्स, इनकी जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। और अगर दोस्तों आप एक ही रिमोट से ऑपरेट कर रहे हो दोनों लाइट्स को, तो जो डिस्टेंस है लाइट्स का वो आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ही रिमोट से दोनों इकट्ठी चेंज होती रहेंगी। तो इस वजह से आपको थोड़ा इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा आपको दूर करना पड़ेगा ताकि आप दोनों को ईजिली ऑपरेट कर सको। तो दोस्तों, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ रिमोट कैसे ऑपरेट होता है। तो ये है हमारा रिमोट। तो यहाँ पे आप अगर इसको ऑन करते हो तो आपकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी और इसकी जो ब्राइटनेस है वो यहाँ से कंट्रोल होती है। तो ये डिम हो चुका है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो मैं बढ़ा देता हूँ। ये रहे इसके कलर्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, और आपको और भी कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो मोड्स दिए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है फ्लैश, ये कुछ इस तरह से चलेगा, और अभी है ये स्ट्रॉब, यहाँ पे है ये फेड, तो ये अपनी ब्राइटनेस को अप एंड डाउन करेगा, और यहाँ लास्ट में है स्मूथ। तो जो इसके मोड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों लाइट्स को मैं अपने बैकग्राउंड पे सेटअप करता हूँ और देखते हैं जो इनकी ब्राइटनेस है वो हमारे बैकग्राउंड पे क्या इफेक्ट लेकर आती है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक, शेयर, कमेंट करके YouTube को ज़रूर बता दें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। साथ में दोस्तों एक बात और है, तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोज़ आगे और लेकर आता रहूँगा। तो चलिए लगाते हैं इनको बैकग्राउंड पे। तो दोस्तों, अभी मैंने बैकग्राउंड पे लाइट सेटअप कर दी हैं। तो ये जो RGB लाइट्स है बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा लुक लेकर आती हैं। तो आप कुछ देख रहे हैं जैसे यहाँ पे रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि बैकग्राउंड पे लाइट सेटअप करने की क्या ज़रूरत है। तो पहली बात, ये आपके जो स्टूडियो का है लुक बिल्कुल बदल देता है, कलर्स आ जाते हैं आपके स्टूडियो में, तो काफ़ी अच्छा लगता है आपका बैकग्राउंड। तो दूसरी बात है कि जब आप फेस कैम वीडियोज़ बनाते हैं YouTube के लिए, तो ये आपको एक अच्छा बैकग्राउंड सेपरेशन प्रोवाइड करता है और जो ऑडियंस का फोकस है आप पे ज़्यादा होता है। तो ये थी कुछ टेक टिप्स RGB लाइट्स के लिए। तो अभी बात करते हैं इन दोनों के प्राइस की। तो ये दोनों लाइट्स मैंने अमेजन से 400 रुपीज़ में ली हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और दूसरी बात है दोस्तों अगर आप YouTube के लिए वीडियोस बनाते हैं, स्पेशली फेस कैम वीडियोस, तो अगर आप बैकग्राउंड पे ऐसी लाइट्स सेटअप करो